जब एक बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो वो भाई से कहती है कि हे भाई, जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आए, कोई मुसीबत आए, जब मेरे साथ कोई छेड़खानी करे तो आप आकर के मेरी इज्जत की रक्षा करना। बहन अपने भाई की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांध देती है। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, कहा जाता है यदि हम अपनी बहन की सुरक्षा का सूत्र हाथ में बांधकर बहन की रक्षा के लिए घूमते हैं और दूसरी की बहनों को ताकते हैं, वो भी तो किसी की बहनें हैं, जब हम अपनी बहन के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो याद रखो आपको भी किसी पराई बहन के साथ अत्याचार करने की या उसके ऊपर गलत दृष्टि डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने साथ बुरा होता हुआ हम देख नहीं सकते हैं और उसी क्षण हम दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले बड़ी तेजी से खबर वायरल हुई थी, दिल्ली में एक दुर्घटना हुई थी कि एक श्रद्धा नाम की बहन और उसके ही प्रेमी ने उसके 35 टुकड़े करने के बाद फ्रिज में टुकड़े रखकर एक एक टुकड़े को दिल्ली के कोने कोने में फेंका था। मैं उन बहनों से पूछना चाहती हूँ, आपको 4 दिन के प्रेम पर, 4 दिन की मोहब्बत पर इतना भरोसा हो जाता है, आप अपने माता पिता को छोड़कर और उनके साथ बिना विवाह किए रहने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो माता पिता को छोड़ देती हैं, जिन्होंने जन्म दिया उन पर भरोसा नहीं और जो केवल हमारी सुंदरता पर मोहित होकर हमें थोड़ा सा प्रेम दिखा देते हैं, थोड़ा सा स्नेह दिखा देते हैं, उनके लिए हम सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, कहा जाता है माता पिता कभी कभी हमारी गलतियों पर हमें बड़ी कठोर बातें सुनाते हैं, कठोर दंड देते हैं, गुस्सा आ जाता है तो वो कभी कभी हमें मारते भी हैं। लेकिन जो लोग अपने माता पिता की डांट फटकार सह लेते हैं, मार को खा लेते हैं, आगे चलकर वो बड़े इंसान बनते हैं, और जो माता पिता की एक फटकार से टूट जाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। माता पिता हमारे भले के लिए डांटते हैं, हमारे भले के लिए हमें सजाएं देते हैं। ऐसे ही एक बेटी के साथ दुर्घटना होती है, रात्रि में अंधेरे में वो अकेली लौटकर घर वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसे रास्ते में एकांत में खींचकर उसके साथ बुरा कर्म किया है। आज वो बेटी सुनसान रास्ते पर झाड़ियों में उसका शरीर पड़ा है और वो बेटी निवेदन करती है लोगों से तो कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं जाते हैं, उस बेटी को धीरज देने के लिए नहीं जाते हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, शास्त्र ये कहता है, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग हो या सत्ययुग हो इल्जाम मुझी पर आता है और घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, मुट्ठी मेरी बंद जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है,
वो बेटी रो रो के कहती है, घनी अंधेरी रातों में मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुख पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है और फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी हमसे रूठ गई और होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। मेरे भागवत प्रेमियों, लोग यही समझाते हैं कि परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम बेटी हो, तुम इज्जत हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, और इन प्रश्नों की भूल भुलैया में, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ ये दुनिया वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, सड़क पे बेशुद्ध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दर्द से बढ़कर और इस तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। आओ मेरे साथ ये प्रण लो और ये आवाहन करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। जो लोग नारियों का सम्मान करते हैं, जो लोग अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, इस देश में जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, जो लोग उनका सम्मान करते हैं, अगर देखा जाए तो वो भगवान श्री राम के चरित्र पर चलने वाले कहलाते हैं।